सुशांत मौत मामले में दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्शन हो रहा है क्योंकि सीबीआई की एक टीम मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंच गई है। पोस्टमार्टम विसेरा रिपोर्ट को लेकर कूपर अस्पताल के डॉक्टर से लगातार पूछताछ होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने की बात कही जा रही है। उधर सुशांत केस में नशे का एंगल भी सामने आते ही जांच में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली में इसे लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मीटिंग जारी है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त कूपर अस्पताल के बाहर से जुड़ गए हैं। वहीं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से। सबसे पहले पंकज का रुख करेंगे। पंकज, क्या कुछ चल रहा है वहां पर इस वक्त, किस बारे में जानकारी ली जा रही है सीबीआई की टीम से? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर अस्पताल पहुंचती है ये टीम तो बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हो रही होगी, उसमें गड़बड़ियों की हो रही होगी। जहां करीब 10 मिनट पहले दो गाड़ियां जिनमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के करीब 5 ऑफिसर्स थे वो यहां मुंबई के सबर्बन इलाके विले पार्ले में जो कूपर हॉस्पिटल है वहां पर दाखिल हुई हैं। मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग आपको दिखाएंगे कि यही वो हॉस्पिटल है जहां पर सीबीआई की जो टीम है बार बार आ रही है। ये करीबन तीसरी बार है जब सीबीआई की टीम यहां पर आ रही है और वो डॉक्टर्स जिन्होंने सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम किया था उनसे बातचीत करी जा रही है। हमें सीबीआई के सूत्र ये तो नहीं बता रहे कि आखिर वो जो फाइल्स हैं वो किसका आदान प्रदान कर रही है, लेकिन हर रोज हम देखते हैं सीबीआई के ऑफिशियल्स यहां पर आते हैं, कुछ फाइल्स लेकर जाते हैं और फिर उनकी एनालिसिस और स्क्रूटनी करी जाती है। अब देखिए काफी संदेह जताए गए हैं। सबसे पहला तो ये कहा कि क्या पोस्टमार्टम सही तरीके से किया गया था, नहीं किया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय था वो क्यों नहीं लिखा गया था, आखिर इतनी रात को पोस्टमार्टम क्यों किया गया था। अब क्योंकि दिल्ली की जो फोरेंसिक टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की वो भी इस पर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने वाली है, अगर कुछ खामियां नजर आ जाती हैं, अगर कुछ कमियां नजर आ जाती हैं तो फिर ये तो एकदम सेंसेशनल हो जाएगा। क्योंकि जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसमें तो कुछ भी कमियां दिखाई नहीं गई हैं, उसमें साफ कह दिया था ना कोई केमिकल डिपॉजिट था ना कोई पॉइजन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह साफ कर दिया गया था कि कोई स्ट्रैंगुलेशन मार्क वगैरह तो नहीं है, कुछ ऐसा गड़बड़िया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं आई। यानी मुंबई पुलिस ने एक तरह से तो अपनी तरफ से क्लीन चिट ही दे दी थी, उन्होंने तो मानो कंक्लूड कर लिया था कि यह एक सुसाइड का केस ही है। लेकिन सीबीआई क्योंकि स्क्रैच से शुरू कर रहा है इसलिए कूपर अस्पताल में आना, डॉक्टर से बार बार बातचीत करना, फाइल्स लेके जाना, उसकी स्क्रूटनी करना, एनालाइज करना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये बात भी याद रखिए कि सीबीआई की टीम के पास करीब 24 फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, यानी कितनी हेविली फोरेंसिक्स पर सीबीआई की टीम इस वक्त अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है ये समझा जा सकता है। इसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती इस अस्पताल में कैसे पहुंची थी जब करीब 8 तारीख के बाद उन्होंने मानो अपने संबंध सुशांत सिंह से तोड़ दिए थे, आखिर वो कौन शख्स था जिसने इन्हें अनुमति दी थी कि आप अंदर जाइए, किसके भरोसे, किसके साथ, किसकी परमिशन से वो अंदर गई थी। बाकी वो तमाम लोग जो कहते हैं कि वो सुशांत के करीब थे आखिर उन्हें अंदर जाने की अनुमति किसने दी थी, तो ये तमाम पहलू हैं। ना सिर्फ फाइलें यहां पर ली जा रही हैं बल्कि सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। मुंबई पुलिस ने पहले ही उसके पास जो सबूत थे, एविडेंस थे, वो सीबीआई को दे दिए हैं। पूरा जो ऑटोप्सी हुआ था उसकी वीडियोग्राफी जो है वो भी सीबीआई के पास है। दिल्ली की जो फोरेंसिक टीम आएगी वो पूरा एनालिसिस करने वाली है। अब अपने दर्शकों को दिखा देते हैं वो खुलासा जिससे काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये क्या खुलासा है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चकाचौंध भरी माया नगरी का ये काला सच है। दौलत और शोहरत की मदहोशी में ड्रग्स का नशा कब घुसपैठ कर जाता है, नशे की गिरफ्त में आने वालों को पता भी नहीं चलता। सुशांत सिंह राजपूत केस भी कुछ ऐसे ही मोड़ पर आखड़ा हुआ है। इस केस में हीरो है, हीरोइन है, ड्रग्स है, ड्रग्स के कारोबारी है और मौत की मिस्ट्री भी है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट को जांच एजेंसियों ने जब रिट्रीव किया तो हाई प्रोफाइल केस में ड्रग्स का ऐसा एंगल सामने आया जिसकी जांच से बॉलीवुड में सक्रिय ड्रग्स माफिया बेनकाब हो सकता है। आज तक के पास रिया का फोन चैट है जिसमें वो मिरांडा सुशी और जया शाह से ड्रग्स के बारे में बातचीत करती नजर आ रही है। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती का ये चैट देखिए। मिरांडा ने टेक्स्ट किया, हाय रिया, माल लगभग खत्म हो चुका है,
क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और गांजा है। इसके साथ ही 25 नवंबर 2019 का एक चैट रिया और जया शाह के बीच का है। इस चैट में जया शाह रिया को सलाह देती नजर आ रही है कि ड्रग से कैसे नशा होगा। जया शाह ने टेक्स्ट किया, कॉफी चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो, किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। यानी जया शाह किसे नशे की किक देने की सलाह रिया को दे रही है। इस चैट के सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने जया शाह को सम्मन जारी किया है। एक चैट रिया और गौरव नाम के शख्स के बीच भी है, जिसमें एमडी के बारे में पूछा जा रहा है। मुंबई में सेलिब्रिटीज की पार्टी में एमडीएमए ड्रग्स बड़े पैमाने पर लिया जाता है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे एमडी भी कहते हैं। मुंबई की बड़ी बड़ी पार्टियों में एमडीएमए ड्रग्स की काफी ज्यादा डिमांड है, इसे पार्टी ड्रग्स भी कहा जाता है। यूरोप से रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियों में ये ड्रग्स हिंदुस्तान में सप्लाई की जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक इसे मुंबई में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर सेलिब्रिटी इसे पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार इस ड्रग्स को सीज करता रहा है, बावजूद इसके अवैध तरीके से यूरोप से ये ड्रग्स लगातार भारत में आ रही है। जो चैट रिट्रीव हुई है उसमें रिया और उसके मैनेजर श्रुति मोदी का भी चैट है। चैट के इस हिस्से से लगता है कि सुशांत भी ड्रग्स की गिरफ्त में थे और रिया उनसे ये लत छुड़वाना चाहती थी। 19 जनवरी 2020 को रिया ने श्रुति मोदी को टेक्स्ट कर बताया, आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वापस घर चला जाए, वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयां दिलवाएं, वो तुम सबको चाहता है, तुम सब उसका इतना ख्याल रखती हो और वक्त पर दवाइयां दे रही हो, वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा। उसे पूरी तरह से चरस बंद करना होगा, उसने कहा कि कल से छोड़ दिया। वो सोने के लिए गया है, मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रहा है ना? हाँ। तो बात शुरू हुई थी सुशांत की मौत का सच जानने से, लेकिन मामला अब ड्रग्स तक जा पहुंचा है। जो पूरा चैट है रिया चक्रवर्ती का जो सामने आया है, उसे एक बात तो साबित है कि सुशांत के आसपास के लोग और उन लोगों का कनेक्शन ड्रग्स के साथ था। अब सवाल ये है कि ड्रग्स कौन कौन लोग लेते थे। जो ईडी ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को लेटर भेजा है उसमें साफ साफ ये लिखा है कि सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती के एक चैट में ये भी है कि सुशांत को ड्रग्स से बचाना है, उसको इस लत से बाहर निकालना है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी? डिलीट किए गए इस चैट के बाहर आने के बाद रिया के वकील ने दावा किया कि रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और वो ब्लड टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं, जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात है। ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल्स और चैट डिटेल्स भी साझा किए। सूत्रों के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स के डीलर के बीच संपर्क करने वाली जानकारी भी सामने आ रही है, हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। रिया के ड्रग कनेक्शन को लेकर सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों ही एजेंसियों ने जाँच शुरू कर दी है। सीबीआई सूत्रों की माने तो इस मामले में उन्होंने सैमुअल मिरांडा और नीरज का बयान भी दर्ज किया हुआ है और अगली बारी रिया चक्रवर्ती की हो सकती है जब उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार ये ड्रग्स वो किसके लिए और क्यों ले रही थी। बहरहाल इन खुलासों के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी जांच में जुट चुका है। ये जांच अब कितनों को बेनकाब करेगी ये कहना मुश्किल है। मुंबई से मनीष पांडे, अरविंद ओझा और शमसायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। रिया का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर ड्रग्स माफिया को बचाने का आरोप लगाया है, तो वहीं जेडीयू नेता का यह आरोप है कि रिया चक्रवर्ती का क्रिमिनल रैकेट है। कौन माफिया है? खुलेआम मुंबई में अगर ड्रग्स बिक रहा है तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? पहले क्रिमिनल गैंग था, तो ड्रग माफिया भी है और ड्रग माफिया से इसकी मिली भगत है। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है।
खुलासा जिससे कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ऐसा खुलासा जिससे महाराष्ट्र की सियासत पे हड़कंप मच सकता है। सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल ने हड़कंप मचा दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुशांत को इलाज के नाम पर जो दवाइयां दी जा रही थी, क्या वो दवा ना होकर नशे की डोज थी। देखिए, अगर ये ड्रग वाला जो मामला है, परिवार को अभी तक जो हमने एफआईआर में लिखा था, हमने ओवर ड्रगिंग की बात की थी। और जो ड्रगिंग हम ओवर ड्रगिंग हमारा मतलब था वो था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई जो एक ड्रग एक इतने मात्रा में पड़ना चाहिए उसको ज्यादा मात्रा में दे दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैंड ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है। और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। इस खुलासे के बाद रिया चक्रवर्ती पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। जेडीयू नेता संजय सिंह का ये बयान सुनिए। देखिए, पहले भी हम कहे थे कि रिया चक्रवर्ती एक्टर नहीं है, उसका क्रिमिनल गैंग है। आज जो व्हाट्सएप चैट आया है उसमें ड्रग माफिया से मिलना, ड्रग डीलर से इनका संबंध, कैसे एक अपने दोस्त को बोल एक ड्रॉप से डालो, उसका मजा देखो क्या है, तो ये क्या साबित करा? तो पहले क्रिमिनल गैंग था, तो ड्रग माफिया भी है और ड्रग माफिया से इसकी मिली भगत। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल के खुलासे के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें कोई ड्रग माफिया भी शामिल है? क्या ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए इस केस की ईमानदारी से जांच नहीं की जा रही थी? बीजेपी ने उद्धव सरकार पर सीधा आरोप लगाया है। कौन ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो अब भी ड्रग्स ले रहे हैं? उद्योग जगत के कौन से वे लोग हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं? यदि वे ड्रग्स ले रहे हैं तो उन्हें ड्रग्स कौन दे रहा है? कौन माफिया है? खुलेआम मुंबई में अगर ड्रग्स बिक रहा है तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? गत दो महीने से महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में केस नहीं दर्ज करना चाह रही थी, ना ही इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाह रही थी। क्या मंशा थी? क्या महाराष्ट्र की सरकार उन ड्रग्स माफियों को बचाना चाह रही थी? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं, कौन सा ऐसा नेता है जिसे बचाने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास था? ड्रग्स माफिया का कनेक्शन संगीन है, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ इस्तेमाल का नहीं बल्कि धंधे का भी है। लिहाजा ईडी से लेकर एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो तक एक्शन में है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दरअसल रिया लगातार ड्रग्स डीलरों के संपर्क में थी। यहाँ तक कि सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स न सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे बल्कि ड्रग्स डीलरों से कॉन्टेक्ट में थे। शायद यही वजह है कि ईडी ने बकायदा लेटर लिखकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस मामले में जांच के लिए कहा है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर ने आज तक से कहा है कि वो जल्द इस मामले में जांच शुरू कर रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये केस खुल चुका है, इसका डंक किस किस को लगेगा? आने वाले दिनों में सबकी नजर इस पर होगी। सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय, अरविंद ओझा के साथ विद्या, मुंबई आज तक। सवाल उठता है कि अगर सुशांत को ड्रग्स दिए गए तो विसेरा रिपोर्ट में नशे का खुलासा क्यों नहीं हुआ? आरोप ये भी है कि विसेरा भेजने में देरी की वजह से ऐसा हो सकता है। बाईस अगस्त, 24 अगस्त और आज सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत का राज फाश करने के लिए सीबीआई की टीम बार बार कूपर अस्पताल के चक्कर लगा रही है। कूपर अस्पताल पहले ही सवालों के घेरे में था। सुशांत को चाहने वाले सवाल उठा रहे थे कि आखिर उस कूपर अस्पताल में ही सुशांत का पोस्टमार्टम क्यों हुआ जो बीएमसी के अधीन आता है, जबकि बीएमसी पर बरसों से शिवसेना काबिज है। उसके बाद जब सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें एक के बाद एक कई खामियां पाई गई। उसमें मौत का समय तक नहीं लिखा था, इससे कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस दोनों पर शक और बढ़ गया। असल में विसरा रिपोर्ट देर से भेजी गई कूपर हॉस्पिटल में, तो विसरा रिपोर्ट जब देर से भेजी गई, उनका कहना कि अगर थोड़ा पहले मिल जाता तो ये ड्रग्स वाली और बाकी चीजें भी उसमें आ जाती, क्योंकि बाकायदा केमिकल में रखने के बाद एक लंबा पीरियड होता है, एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें विसरा की रिपोर्ट आती है। तो विसरा का सैंपल ही जो है
वो मुंबई पुलिस ने कूपर हॉस्पिटल से फिर कलीना फॉरेंसिक लैब लेट भेजा। तो कूपर हॉस्पिटल और कलीना फॉरेंसिक लैब में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है कि इतना टाइम लगे, लेकिन मुंबई पुलिस की गलती यही थी कि विसरा रिपोर्ट देर से भेजा और उस देरी की वजह से ड्रग्स के जो मामला है वो विसरा रिपोर्ट में नहीं आई, बल्कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने यह कहा था कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है और विसरा रिपोर्ट के बारे में मुंबई पुलिस ने यह कहा था कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई है, ना तो पॉइजन है ना ड्रग्स है। लेकिन यहीं पर कि अगर विसरा रिपोर्ट वक्त रहते भेज दिया जाता तो शायद ये चीज़ें ना होती। सीबीआई के सामने कोई और रास्ता भी नहीं, क्योंकि उसके पास ज्यादा सबूत नहीं है और काफी हद तक फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर ही उसे सुशांत केस में आगे बढ़ना है। लेकिन उनके लिए भी सीबीआई को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दरअसल कूपर अस्पताल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह हैरान करने वाली बात है कि सुशांत के गले में कहीं भी खून का थक्का नहीं जमा, जबकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट निशा मेनन के मुताबिक सुसाइड या गला दबाकर मारने की घटनाओं में खून जमता ही है। कि ये एक हायर बोन है जो कि हॉर्सशू टाइप का बोन है, ये कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, थोड़ा सा टेक्निकल है बट इस डायग्राम से आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि ये लोकेशन क्या है, थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ये लैरिंग्स प्रोमिनेंस एरिया है जहां पे वॉइस बॉक्स जिसको जनरली हम बोलते हैं वो है। ये एपिग्लॉटिक्स, ये क्रकॉइड कार्टिलेज और ये ट्रैकियल कार्टिलेज, ये जो भी अंदर के एरिया है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और जब सुइसाइड जैसा होता है तो इस पर्टिकुलर नेक रीजन को बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड ऑब्जर्व करना बहुत ही जरूरी है। अब जिस तरीके से हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखेंगे उसमें मेंशन किया गया है कि इस पूरे एरिया में इन स्पाइट ऑफ दिस सच अमाउंट ऑफ प्रेशर, इतना प्रेशर होने के बाद में भी कोई हैमरेज नहीं है, बिल्कुल भी कोई हैमरेज नहीं है जो थोड़ा सा डाउट रेज करता है। सेकेंडली जब हम बात करते हैं ये थायराइड कार्टिलेज, ट्रैकियल कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड ये हायोइड बोन, सब कुछ इंटैक्ट है, यानी कि एक भी कार्टिलेज या बोन ऐसा नहीं है जो इतने हेवी इंपैक्ट के बाद भी ब्रेक या फ्रैक्चर हुआ है। दैट इज वन पॉइंट जो बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में इसको जांच करने की जरूरत है। ऐसे में हैरानी इस बात की है कि कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया तो उन बातों का जिक्र क्यों नहीं किया। गले के अंगों की हालत का जिक्र नहीं है, गले की धमनियों के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है, उनमें हुए नुकसान पर कुछ नहीं लिखा गया है, गले की अंदरूनी स्थिति पर कुछ भी नहीं कहा गया है। बड़ी बात यह भी है कि ऐसे मामले में पोस्टमार्टम करने वाली टीम में तेज तर्रार डॉक्टर शामिल किए जाते हैं, फिर उनसे ऐसी चूक कैसे हुई ये बड़ा सवाल है। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक।